हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक हिस्ट्री की वीडियो, जिसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं हम डेट्स पे बात करने वाले। बिल्कुल नहीं, हम इस वीडियो में डेट्स पे बिल्कुल बात नहीं करने वाले। हम सीधा देखने वाले नहीं, हम सुनने वाले हैं विक्रमजीत सिंह रूपरेही की आवाज़ में एक कविता जो दिल्ली की पूरी हिस्ट्री को हमें झट से याद करा देगी। आई नो ही डजेंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बट स्टिल आई एम गोना टेल यू दैट ही इज़ एन एजुकेटर, ही इज़ एन ऑथर, and he is well known for his India's largest heritage club. Or I have not personally, due to the pandemic, I have met him virtually, and he's an amazing personality. He's on YouTube also, and his baolis are just amazing. You should go and watch them. So unhi ki ek awaaz, not awaaz mein, awaaz meri hai, उन्हीं की एक कविता दिल्ली के ऊपर बहुत छोटी सी है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आओ किस्सा मैं तुम्हें सुनाऊँ, एक आबाद वीराने का, राजाओं और सुल्तानों के एक सपने सुहाने का। सपने में फरिश्ते हैं पर खून के दरिया बहते हैं, यहाँ आशिक भी हैं योद्धा भी, इस शहर को दिल्ली कहते हैं। जी हाँ, जो हिंदुस्तान का दिल है उसको दिल्ली कहते हैं। और अगर आपको वीडियो लाइक करे तो इसको आप वीडियो लाइक। दिल्ली रही है वीरों की, यमुना जी के तट पर जब पहुंचे थे पांडु पुत्र वो, तो खांडव प्रस्थ के जंगल में इंद्रपुरी बनाई थी, जहां बैठ के शासन करते थे और न्याय के डंके बजते थे, वैभव विलास और माया की जहां रोशनी बस छाई थी। खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ, खो गया वो शहर इंद्रप्रस्थ, धरती की गोद में सो रहा, अब खून से लथपथ अरावली भी कुरुक्षेत्र तक रो रहा, कि महाभारत के युद्ध ने तो अब काया ही पलट दी है, दूध सी श्वेत यमुना भी लाल रंग में रंग दी है। हजारों बरस भी गुजर गए और शहर पांडु के उजड़ गए, तो राजपूत एक बड़ा हुआ दिल्ली में आकर खड़ा हुआ, मिहिर भोज का पुत्र था और तोमर वंश का सूत्र था, अनंगपाल था नाम रखा और ढिल्लिका में आरुका, सूरज कुंड बनाया था और अनंगताल खुदवाया था, फिर लाल कोट की दीवारों में मेहरौली बसाया था, लौहपुर लौह स्तंभ जो पुरखों का था लेकर दिल्ली आए थे, और मंदिरों के प्रांगण में नए ध्वज झुलाए थे। 19 वंशज तोमर भये, 400 वर्ष तक राज किया, फिर एक बलवान योद्धा को अजमेर से दिल्ली बुला लिया, एक शूरवीर महान था, राजपूतों की शान था, इस भारत का अभिमान था, वो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज ने दिल्ली आकर काया ही पलट दी थी, मेहरौली की दीवारों में नई ताकत ही भर दी थी, जोड़ के पत्थर पत्थर उसने लाल कोट को बड़ा किया, फिर राय पिथौरा किला बना के ध्वज अपना जो फहरा दिया, के चर्चा दिल्ली का बजोर खुरासान तक होने लगा, तो घोर मोहम्मद दिल्ली का सपना दिल में पिरोने लगा, और सपना पूरा करने को वो चलकर दिल्ली आया था, वार पे वार किए तो पृथ्वी को हराया था। युद्ध समाप्त हुआ, युग समाप्त हुआ, वक्त बदला, तारीख बदली, हिंदुस्तान की तकदीर बदली, बदला केसरी निशान भारत का, बदल के परचम सब्ज हुआ, सब्ज मैंने हरा, कि बदला केसरी निशान भारत का, बदल के परचम सब्ज हुआ, और मजहब फारस की गलियों से हिंदुस्तान की नब्ज हुआ, गुलाम कभी जो थे शाहों के, हिंद के सुल्तान हुए, इमारात तामीर हुई, रेगिस्तान बोस्तान हुए, कहीं मस्जिद कहीं मेहराब कहीं कसर कहीं किले, यूं बाहें पसार मामलुक हिंद को मिले, मस्जिद जामी और मीनारे कुतुब, तख्ते मेहरौली बाबे ताजुब, कुतुब अल तवश रजियाओ बहराम, 9 दशक किया हिंद ने सलाम। फिर किलोकड़ी के उस शीश महल में, कई काबादी के रंगीले हरम में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का एक दिन वार हो गया, कैकाबादी के धर से शीश जुदा था हो गया, नन्हा की उम्र भी अब क्या करता, गुलाम वंश समाप्त करके खिलजी काविज हो गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, हौज खास बनाया, दारुल खिलाफा बसाया, मदरसे और मस्जिद खुलवाए, और कुव्वत बाजुओं से राजे रजवाड़े हराए, पर खिलजी घराना भी वैसा निकला, आशिके शराब शबाब वो पैसा निकला, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अय्याश कैकाबादी जैसा निकला। फिर वक्त आया गाजी मलिक का, जो घयासुद्दीन तुगलक कहलाया, पकड़ गुलाम शहर भर से तुगलकाबाद का किला बनाया, पर वो भी खिलजी का हमदम था, हुकूमत के नशे में कहां किसी से कम था, तुगलकी फरमान चलाए, दिल्ली वाले बहुत सताए। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, शहरे जहां पना बनाया, दिल्ली छोड़ दौलताबाद बसाया, नोट छापे चमड़े के, सिक्के तांबे के बनवाए, क्या बताऊं उसने क्या क्या वाहियात ख्याल पकाए, कोशिश थी जन्नत करने की पर जहन्नुम सा निजाम बनाया, और गलत सलाहकारों की बदौलत वो पगला सुल्तान कहलाया। 1398 तैमूर भारत आ गया, चुन चुन के तुगलक मारे, गजब कहर कमा गया, इतनी दहशत फैलाई उसने
कोई खुद को सुल्तान ना कहता था, लोग घरों में रहते थे, महल में राजा कोई ना रहता था। 16 साल बाद लोधी ने हिम्मत की, देख के खाली तख्त दिल्ली पे हुकूमत की, पर 2 माह के अंदर सैयद ने उसको हरा दिया, फिर से दिल्ली में तैमूर का परचम लहरा दिया। पर लोधी वापस आए, जंग में सैयद हराए और तख्त दिल्ली पर बैठकर बुर्ज व गुंबद तामीर कराए। चंद दिन के मेहमान थे वो बाबर जो आने वाला था, और बाद उसके शेरशाह सूरी एक और दिल्ली बसाने वाला था। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बाद सूरी के तख्त प्राप्त किया, पर हुमायूं अकबर की फौजों ने उसे 30 दिन में समाप्त किया। अब मुगल भारत आ गए और नए बाबर चा गए, दीन पना फिर आगरा शाहजहानाबाद बना गए। शेरो खुर्शीद जो मुगलिया परचम कुल हिंद पे लहराता था, पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब मुगलिया कहलाता था। धीरे धीरे शराब मुगलिया रगों में बहने लगी, बगावतों का दौर बुलंद हुआ, मायूसी किले में रहने लगी। इस बीच एक सौदागर आया, समझ तो गए होगे आप लोग कि इस बीच एक सौदागर आया और मौत का साजो सामान लाया। इस बीच एक सौदागर आया मौत का साजो सामान लाया और 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरों ने यूं मुनाफा कमाया। इस बीच एक सौदागर आया मौत का साजो सामान लाया, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरों ने यूं मुनाफा कमाया कि काला दिल था गोरी चमड़ी, साहेब बहादुर जेब में दमड़ी, एक एक कर सब बिके नवाब, नहीं पैसे का कोई जवाब, और जो ना बिके बिकाओ भिखारी, उनकी नस्लें चुन चुन मारी, ऐसा कहर ढाया गोरों ने, गुलाम किए सब बारी बारी। 1957 हुई पुकार, चारों तरफ थी हाहाकार, हिंदी फौजी पकड़ बंदूके, गोरों का कर रहे संघार। पर नतीजा क्या हुआ, जकड़ा जफर भेजा रंगून, दिल्ली कर दी खूनो खून, बंदूक का शासन देख लो अब, ना दिन को चैन ना रात सुकून। यूनियन जैक को करो सलाम, जॉर्ज आएंगे तेरे काम, बंगाल से दिल्ली आएंगे, नया शहर बसाएंगे, पानी पाइप का आएगा, हर टाइप हो जाएगा, अब पेट दुखे या आंख आए तुझको कौन बचाएगा। दिल्ली तू वीरानी है, सपने सी तेरी कहानी है, आंख से बहता खून तेरे रगों में बहता पानी है, 3000 साल के इतिहास में तूने हर राहगीर को अपनाया, सबने तुझे लूटा सबने सताया, पर ए दिल्ली सलाम है कि तू आज भी आबाद है, चैनो अमन से तेरे बाशिंदे रहे, मेरी यही फरियाद है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।